भाई और बहनों, आज उड़ीसा का चुनाव भी मोदी जी का चुनाव का साथ साथ हो रहा है। मैंने उड़ीसा को समझने के लिए कोशिश किया। यह चुनाव के दौरान मैंने उड़ीसा का कई सारा क्षेत्रों में किया और मैंने उड़ीसा को समझने के लिए कोशिश किया। ये भारत वर्ष में उड़ीसा जैसा संपत्ति और उड़ीसा जैसा मानव संपत्ति बहुत ही कम राज्य में मिलते हैं। अगर ये स्टेट को एक अच्छा सरकार मिल जाते हैं, ये सरकार, ये उड़ीसा भारत का एक नंबर स्टेट बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आज देखिए, आज उड़ीसा का हालत क्या है। उड़ीसा से युवाओं का पलायन हो रहा है। अगर मैं आज सूरत जाता हूं, सूरत में सबसे ज्यादा उड़ीसा का युवकों को हम लोग मिलता हूं, काम करने के लिए उड़ीसा से गुजरात पलायन करते हैं। उड़ीसा का युवाओं का पास आज कुछ काम नहीं है। उड़ीसा में सरकारी नौकरी नहीं है। उड़ीसा का जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री में उड़िया लड़का लड़की को काम नहीं मिलते हैं। और हमारे जो उड़ीसा का संपद है, ये संपद को भी उड़ीसा का बाहर लोगों को एक एक करके ट्रांसफर किया जा रहा है। आज उड़ीसा का युवाओं का पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन सरकार में आज भी 1 लाख नौकरी खाली है। अगर नवीन बाबू चाहते थे कम से कम 1 लाख लोगों को, 1 लाख युवाओं को 1 साल का अंदर नौकरी दे सकते थे।